हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ये डोरमेट बनाना बताऊंगी। ये मैंने वेस्ट टी शर्ट वगैरह से बनाया है और इसमें मैंने ना सिलाई का यूज़ किया है, ना सुई का यूज़ किया है और किसी फ्रेम का भी यूज़ नहीं किया है मैंने। इसे मैंने एक सिंपल सी हेयर पिन से बनाया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया है और ये वीडियो फुल देखिएगा जिससे कि आपको आसानी से ये समझ में आए कि मैंने किस तरह से बनाया है। और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आसानी से और जल्दी बन जाता है ये। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाया इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक ये ओल्ड टी शर्ट हमारी पुरानी, इसको हम इस तरह से लेंगे और बराबर बराबर करके इस तरह से ऐसे रख लेंगे इसको हम, और इसको करीब 1 इंच के बराबर का, ये देखिए 1 इंच के बराबर का हम इसको 1-1 इंच के बराबर की पट्टी कट कर लेंगे इसमें से। ये देखिए हमने 1-1 इंच के बराबर की ये पट्टी कट की है। इसी तरह से हम पूरी टी शर्ट के यहाँ तक की ये पट्टी कट कर लेंगे, जहाँ तक ये नेक बना हुआ है, गला बना हुआ है। इसी तरह से मैं पूरी टी शर्ट में ये पट्टी बना लेती हूँ। ये देखिए हमने ये सभी पट्टियाँ इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हम एक पट्टी लेंगे और उसको इस तरह से करके इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से खींच लेंगे तो ये थोड़ा रस्सी जैसा हो जाएगा। और ये कपड़ा खींच जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये फोल्ड भी हो गया, रस्सी जैसा भी बन गया है। अब हम इसको दूसरा कपड़ा लेंगे पट्टी, और इसको भी इस तरह से करके खींच लेंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे। ये देखिए हम इसको बिना सुई के या बिना किसी चीज के जोड़ेंगे, तो हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। ये हम इसको इस तरह से थोड़ा सा कोना बनाएंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे इस तरह से, और इसी तरह से इसमें हम कट लगाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए दोनों में कट लग गया है। अब हम इसको इस तरह से करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और एक पट्टी को इसमें अंदर से निकालेंगे। ये देखिए ये इस तरह से जुड़ जाएगा बिना सुई या बड़ी वाली गांठ भी नहीं लगानी पड़ेगी इसमें। अब हम इसको इस तरह से, या तो हम इस पे कुछ रख लेंगे या आप अगर ऐसे भी बना सकते हैं तो ऐसे बना लें। ये देखिए हमने इसमें एक गांठ लगाई। ये हमारा जो ये एक कपड़ा है ये सीधा रहना चाहिए, और इस पे इस तरह से गांठे लगाते चले जाएं।
ये देखिए इस तरह से, गांठें ज्यादा टाइट नहीं करनी है, ढीली ही रखनी है। ये देखिए इस तरह से मैं इतनी ढीली गांठें रख रही हूँ जिसमें कि ये थोड़ा होल दिखाई दे। ये देखिए 1 2 3 4, हम इस पे 5 गांठें लगाएंगे। ये देखिए 5 गांठें लगा ली। अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, ये देखिए। और अब हम ये एक हेयर पिन या एक कांटा लेंगे। ये देखिए हमने ये एक वायर लिया है, इसको इस तरह से मोड़ लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह की जूड़ा पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए। और ये जो जिससे हम गांठे लगा रहे थे, इसके इस किनारे में हम इसको इस तरह से फंसा लेंगे। ये इस तरह से, और अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, देखिए। ये जो धागा है हम इसको इसके साथ पकड़ लेंगे और इसमें डालेंगे, देखिए। और इसके अंदर से तरह से निकाल देंगे और इसको हल्का सा खींच देंगे, ज्यादा नहीं खींचना है, ये तो ये बनेगा नहीं। फिर हम दोबारा इसी के अंदर से निकालेंगे। फिर हम ये इस तरह से इसको जलेबी टाइप बनाते चले जाएंगे और ये अगले वाले में इसको फिर से निकालेंगे। फिर से हम इसको उसी में से निकालेंगे। और इस धागे को इसी तरह से गोल गोल घुमाते चले जाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर इसको इसमें से निकालेंगे। इसको बनाना एकदम आसान है और बिना किसी भी चीज के मदद के बन जाता है ये, बुने हुए या सिलाई के। आप इसको इस तरह से भी लपेट सकते हैं जिससे कि बार बार ही खुले नहीं।
अभी हमारा दूसरा राउंड शुरू हो गया है। अभी फिर से इसी तरह से हम इसको लगाते चले जाएंगे गांठें। इस तरह से। और अब हमें आ रहा है ये धागा कम पड़ गया, तो जिस तरह से हमने शुरू में जोड़ा था इसी तरह से जोड़ लेंगे हम। इस तरह से कटिंग करके ये इस तरह से आप इसको सुई से भी सिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिलने में टाइम लगता है बार बार, तो आप इस तरह से ये तरीका अपना लें। देखिए इसमें ज्यादा वैसी दिखने वाली गांठ भी नहीं लगती है। और ये इस तरह से बनाते चले जाइएगा। मैं हेयर पिन से भी बनाकर बता देती हूँ। इसको इस तरह से कर लीजिए। बनाने में एकदम आसान है और ये जल्दी भी बन जाता है। इसी तरह से आप इसको घुमाते चले जाइए राउंड शेप में और ये बनता चला जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने दो राउंड बना लिए हैं, ये एक और ये दूसरा राउंड है। अब यहाँ से हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। देखिए इसको इस तरह से इधर ही पकड़े रखना है और ये होल में से निकालते चले जाना है। तीसरे राउंड में हम हर होल में से एक एक बार ही निकालेंगे। दूसरे राउंड में हमने एक एक बार दो दो बार निकाला था ये, अब इसमें हम ये एक एक बार निकालेंगे। हर होल में से एक बार इसी तरह से हम ये एक एक बार निकाल के ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और ये थोड़ी देर में ही बन जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। तो मैं ये राउंड भी पूरा कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा तीसरा राउंड भी पूरा हो गया है। अब हम जो यहाँ से चौथा राउंड शुरू करेंगे, हम फिर से ये एक होल में से, ये देखिए एक होल में से दो दो बार
लेंगे धागे को, कपड़े को इस तरह से, ये देखिए एक में से दो बार लिया, फिर अगले में से, याद रखिए एक राउंड में एक बार और अगले राउंड में दो बार, फिर एक राउंड में एक बार, इसी तरह से हम ये सारे राउंड कंप्लीट कर लेंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है ये, इसी तरह से अब मैं ये बना लेती हूँ। ये देखिए अब मैं इसको बना लेती हूँ, मुझे जितना बड़ा बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इतना बड़ा बना लिया है। अब हम इसमें दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए हम जो दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे वो एक ही जगह से करेंगे। जैसे यहाँ से हमारे ये दोनों धागे खत्म हो गए हैं, तो यहाँ से भी हम इसी तरह से दूसरा कलर ज्वाइंट कर लेंगे और यहाँ से भी उसके बाद में बनाएंगे ये इसी तरह से थोड़ा सा कट लगा के। इसी तरह से हम ये सेकंड कलर ज्वाइंट कर लेंगे। मैंने पूरे डोरमैट में इसी तरह से ये ज्वाइंट किया है कपड़ा। इस तरह से देखिए, इसी तरह से मैं इसमें भी ज्वाइंट कर लूंगी। ये हमारे दोनों कलर ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हम इसी तरह से इसको बना लेंगे। जहाँ जॉइंट आ जाता है उसको इस तरह से नीचे निकाल देते हैं। इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बना लिया है पूरा डोरमेट। अब हम इसको लास्ट में ये जो बचा हुआ धागा है इसको इसमें से डालेंगे। आप कितना ही भी बड़ा बना सकते हैं इसको। आप ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो ज्यादा बार राउंड लगा दीजिए ये इस तरह से करके, और इसमें गांठ लगा देंगे इस तरह से, और इसको कैंची से कट करके इधर पीछे या तो हल्का सा सिल देंगे या इधर से ऐसे दबा देंगे। ये देखिए सुंदर डोरमेट बनकर तैयार हो गया है, और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप जरूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।